सूदिये हैं और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करूंगा बिग बॉस मराठी के डे 8 के बारे में और एपिसोड 9 के बारे में। जी हाँ, 8वें दिन बिग बॉस मराठी के घर में क्या क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। एक हफ्ते खत्म हो गए थे, उसके बाद आरती निकल गई थी, 130 रह गए थे, सभी लोग शॉक हुए थे। उसके बाद क्या हुआ सब मैं आपको इसी एपिसोड में बताने वाला हूँ। दिन की शुरुआत ठीक ठाक तरीके से हुई, हर कोई अपना नॉर्मल रूटीन कर रहा था, तो यार बिग बॉस ने उसी वक्त आई थिंक कह दिया कि भाई आप लोग अब जो है एक अपने अपने हिसाब से अपने अपने नंबर के आगे खड़े हो जाए। एक नंबर टाइप लगा दिया गया 1 से लेकर 14 तक का, उस नंबर पे हर कंटेस्टेंट अपने अपने हिसाब से खड़े हो गए और जो टॉप 5 कंटेस्टेंट थे उन्हें बिग बॉस ने बचा दिया। कहा कि जो टॉप 5 कंटेस्टेंट है वो बच गए, लेकिन बाकी सब डेंजर जोन में है, यानी कि बाकी के 8 या 9 लोग डेंजर जोन में थे। लेकिन यहाँ पर एक दो यूनिक चीज ये थी कि उषा नाडकर्णी जी ऑलरेडी इस नॉमिनेशन से सेफ थी, क्योंकि उन्हें आरती ने बचा लिया था। एक स्पेशल तरह से उनको एक पावर दिया गया था बिग बॉस द्वारा कि आप जाने के बाद किसको बचाना चाहेंगी, तो उन्होंने उषा नाडकर्णी जी का नाम लिया था। और कैप्टन के हिसाब से अस्ताद भी सेफ थे। अब यहाँ पे घर में जो नॉमिनेटेड हुए हैं वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि वापस से वोटिंग हुई, अंदर जाके बिग बॉस ने घर में बैठा कन्फेशन रूम में सबसे पूछा आपको क्या लगता है दो लोग जो नॉमिनेट होने चाहिए, तो हर किसी ने अपना अपना नाम लिया। तो मैं आपको बताता हूँ नॉमिनेट कंटेस्टेंट कौन कौन है और घर में और क्या क्या चल रहा है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले आपको नॉमिनेट कंटेस्टेंट बता देता हूँ, विनीत है नॉमिनेट कंटेस्टेंट है। इसके अलावा विनीत जिसे मैंने बताया, स्मिता है, रेशम है और पुरोहित है, और इसके अलावा अनिल थाटे है, और यही सब 6 लोग हैं। जुई, हाँ जुई भी है। तो ये 6 लोग नॉमिनेटेड इस पूरे के पूरे वीक में। पुष्कर को इसलिए नॉमिनेट किया गया क्योंकि पुष्कर का थोड़ा सा जब उसे बोलना चाहिए था, वो टॉप 14 में जब था तब उसे बोलना चाहिए था अपनी पोजीशन पर, वो क्यों है एक्चुअली 12 या 13 नंबर पे था, क्यों उस पोजीशन पे है या कौन से पोजीशन पे डिजर्व करता था रहने का, उसे प्रॉपर बोला नहीं। बाद में वो खुद में ही गुस्सा हो रहा है कि यार मैंने क्यों नहीं बोला, मैंने गलती कर दी। इवन उसका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया था साई लोकल से, उनकी काफी ज्यादा बातचीत होती थी, काफी ज्यादा क्लोज थे, फ्रेंडली थे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को अवॉइड किए थे, तो काफी ज्यादा इश्यूज हुए थे। बाद में वो शॉर्ट आउट हो गए, साई ने अपना बताया कि उसे क्यों प्रॉब्लम थी और कहीं ना कहीं पुष्कर ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली कहीं ना कहीं। अब यहाँ पर हमने ये देखा जो अनिल थाटे बार बार कैमरा के आगे जाके रोते हुए नजर आए। उसके बाद हमने ये भी देखा अनिल थाटे को मेघा जाकर माफी मांग रही, क्योंकि मेघा ने काफी ज्यादा चिल्लाया था अनिल थाटे को, वो भी वीकेंड के बाद के यहाँ पर 7वें दिन का जो एपिसोड था उसमें बहुत ज्यादा चीज सुनाया था, पागल है ये सब वो सब। इवन रेशम ने भी काफी ज्यादा अनिल थाटे को सुनाया था, लेकिन रेशम ने माफी नहीं मांगी, मेघा ने जाके माफी मांगी और अनिल जी ने उन्हें माफ कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी गलती है, मैं अपने बड़े होने का फायदा कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैंने उठाया, मैं यहाँ पे अब बहुत कुछ सीखने वाला हूँ। फिर भी घर वाले लोगों को कहीं ना कहीं अभी भी अनिल जी जम नहीं रहे, इसलिए वोटिंग में उन्हें इंक्लूड किया गया और रेशम जी को भी कम से कम 6 से 7 वोट मिले, क्योंकि रेशम जी बहुत डोमिनेंट है ऐसा घर वालों को लगता है। और ये सब चीजें हो रही है, घर में बहुत ज्यादा बवाल होने वाला है और इतना साफ है मैं आपको बता दूं, जो मैंने प्रोमोस वगैरह देखे है 9वें दिन के यानी कि 10वें एपिसोड के, वो बहुत ही खतरनाक है। एक्चुअल में जो फाइटिंग चालू होने वाली थी अभी तक नहीं हुई थी, वो अब चालू होगी इस 9वें दिन में और इस 10वें एपिसोड में, जिसके अपडेट्स में जल्द से जल्द आपको दूंगा। फिलहाल आपको ये सेकेंड वीक का नॉमिनेशन के बारे में क्या कहना है जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हाँ आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है और किसको नॉमिनेट नहीं होना चाहिए इस हफ्ते जरूर बताइए। चलिए फिलहाल इतना ही।